पिछले वीडियो में हम लोगों ने रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस पे चर्चा की थी और कुछ रिजल्ट तक पहुंचे थे, जैसे कॉमन पोटेंशियल कितना होगा और चार्जेस रिडिस्ट्रीब्यूट होकर कितने होंगे। अभी जब भी रिडिस्ट्रीब्यूशन की बात होती है, एक बात तय है कि एनर्जी का लॉस होता है। जिस तरह से संपत्ति के बंटवारा में धन का लॉस होता है, उसी तरह से रिडिस्ट्रीब्यूशन में एनर्जी का लॉस होता है। आप कहीं भी देख लें, किसी का भी अगर संपत्ति का बंटवारा हुआ है, इवन अंबानी फैमिली का भी एग्जांपल ले सकते हैं, तो वहाँ भी लॉस काफ़ी हुआ था। चलिए, अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं रिडिस्ट्रीब्यूशन। तो हमने दो बॉडी जो लिए थे उसके लिए एक्सप्रेशन लिखने की कोशिश करें। हम अगर पूरे सिस्टम का इनिशियल एनर्जी लिखना चाहें तो ऑबियस है कि हाफ सी वन वी वन स्क्वायर प्लस हाफ सी टू और वी टू स्क्वायर लिख सकते हैं। अब जब हमने कंबाइन कर दिया है तो फाइनल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ सी वन प्लस सी टू, क्योंकि दोनों कॉमन हो चुके हैं और पोटेंशियल भी कॉमन, मतलब वी का स्क्वायर हो चुका है। अब आगे यहाँ से डिस्कशन, जैसा कि आपने देखा कि वी का एक्सप्रेशन जो आया था हमारा वो हाफ सी वन प्लस सी टू, ये तो ठीक है, और ये आया था सी वन वी वन प्लस सी टू वी टू डिवाइडेड बाय सी वन प्लस सी टू और इसका होल स्क्वायर। तो एक सी वन सी टू कैंसिल कर दें तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा सी वन वी वन प्लस सी टू वी टू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू सी वन प्लस सी टू। ये आपका फाइनल एनर्जी का एक्सप्रेशन आ गया। अभी लॉस की बात करें, लॉस इन एनर्जी, तो मालूम है सबको कि अगर हम लॉस की बात करते हैं तो हमेशा ही एक्सप्रेशन में है ना, लॉस की बात अगर करते हैं तो हमेशा ही इनिशियल माइनस फाइनल लिखा जाता है। इस हिसाब से इनिशियल जो था उसको आप लिख लीजिए हाफ सी वन वी वन स्क्वायर प्लस हाफ सी टू वी टू स्क्वायर माइनस, यहाँ से क्या होगा सी वन वी वन प्लस सी टू वी टू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू सी वन प्लस सी टू, टू सी वन प्लस सी टू। तो यहाँ पर आप अगर एलसीएम ले लें, एलसीएम कितना ले सकते हैं वो देख लीजिए। एलसीएम आपका यहाँ आ जाएगा टू सी वन प्लस सी टू, तो उस हिसाब से यहाँ पर सी वन प्लस सी टू इंटू सी वन वी वन स्क्वायर प्लस सी वन सॉरी सी टू वी टू स्क्वायर माइनस सी वन वी वन प्लस सी टू वी टू का होल स्क्वायर। चलिए यहाँ तक आ जाइए। इसके बाद से अब आगे का स्टेप डेल्टा यू इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करना होगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए। डेल्टा यू फिर से आप लिख रहे हैं तो C1 से मल्टीप्लाई करके आप क्या लिखेंगे देख लीजिए, C1 स्क्वायर वी वन स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो C2 C1 वी वन स्क्वायर और प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, और उस ब्रैकेट को अगर ओपन करते हैं स्क्वायर करके तो एक तो होगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर और प्लस 2 C1 C2 V1 V2। चूँकि यहाँ पर नेगेटिव साइन सामने में है तो इन सब के आगे नेगेटिव साइन आ जाएगा और ये डिवाइडेड बाय आपका 2C1 प्लस C2। जो जो सेम है उसको कैंसिल कर लीजिए, शायद C1 V1 स्क्वायर और C1 V1 स्क्वायर सेम है, कैंसिल हो जाएगा। C2 V2 स्क्वायर और C2 V2 स्क्वायर भी सेम है, वो कैंसिल हो जाएगा। अब आप यहाँ पर कॉमन C1 C2 निकालिएगा तो देखिए ब्रैकेट में V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर है ना, और माइनस 2 V1 V2 डिवाइडेड बाय
आपका यहाँ पर आ गया 2C1 + C2। ओके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब ये आपको एक्सप्रेशन जो आया बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया, ये V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, ये डेल्टा यू मतलब लॉस ऑफ एनर्जी। वेल ओके, तो देखिए इस एक्सप्रेशन को ड्राइव करने के लिए हमने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले हमने इनिशियल एनर्जी पूरे सिस्टम का नोट कर लिया, फिर फाइनल एनर्जी नोट कर लिया, चूँकि पोटेंशियल कॉमन हो चुका था तो कॉमन पोटेंशियल का एक्सप्रेशन यहाँ पर रख दिया। उसके बाद से C1 प्लस C2 और यहाँ C1 प्लस C2 होल स्क्वायर हो गया, तो एक टर्म कट गया। उसके बाद से लॉस की जब बात कर रहे हैं तो लॉस हमेशा इनिशियल माइनस फाइनल होता है, तो यहाँ पर इनिशियल माइनस फाइनल कर दिया। ठीक है, एलसीएम लेकर के हमने इसको एक्सपेंड कर लिया और जो कैंसिल होकर के रिजल्ट आया वो इस फॉर्म में आया। अब यहाँ से जब डिस्कशन की बात होगी तो हमारे पास कुल मिला करके सिचुएशंस अलग अलग हो सकते हैं। पहला सिचुएशन ये हो सकता है कि V1 है ना इज ग्रेटर देन V2। अगर V1 ग्रेटर देन V2 है तो कोई बात नहीं, ये तो पॉजिटिव होगा। ओके, और ये पॉजिटिव होगा, सामने का क्वांटिटी पॉजिटिव है, मतलब डेल्टा U पॉजिटिव हुआ ग्रेटर देन 0, मतलब U इनिशियल ग्रेटर देन U फाइनल। अगर इनिशियल एनर्जी ज़्यादा है, फाइनल एनर्जी कम है, तो लॉस होता है, दिख रहा है एक्सप्रेशन में भी। चलिए, तो ऐसे केस में डेल्टा यू आपका दिखा कि पॉजिटिव होगा। ओके, मतलब लॉस होगा। इवन अगर आप इसको ऐसा भी कर लें, ठीक है, लेस, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ माइनस करने के बाद स्क्वायर करना है, नेगेटिव भी आएगा उसका स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, तो डेल्टा यू फिर से पॉजिटिव, यानी इनिशियल एनर्जी फाइनल एनर्जी से ज़्यादा होगा, वंस अगेन लॉस होगा। अब यहाँ पर एक सिचुएशन मैं दूँ तो क्या कि डेल्टा यू सॉरी V1 और V2 दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाए, तब देखिए डेल्टा यू का वैल्यू कितना आ रहा है, डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है, डेल्टा यू का वैल्यू 0 आ रहा है। और मैंने आपको ये कह रखा है कि जब भी रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा तो लॉस होगा, ये जनरल मैंने बताया है आपको, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, क्यों लॉस 0 आ रहा है, थोड़ा सा अगर डीपली सोचेंगे तो आंसर आएगा, आंसर आपकी तरफ से आ रहा है। जाहिर सी बात है, जब दोनों के पोटेंशियल सेम हो गए तो चार्जेस का रिडिस्ट्रीब्यूशन हुआ ही नहीं, और जब चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन हुआ ही नहीं तो लॉस की बात ही क्यों करनी, इसीलिए लॉस नहीं होगा। तो फिजिक्स के जो इक्वेशन होते हैं वो वेल मैनेज्ड होते हैं, वेल डिसिप्लिन्ड होते हैं, एग्जैक्ट ही हमेशा बताते हैं। हमको लगता है कि ये पार्ट आपको काफ़ी क्लियर हो गया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।